नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 17 सितंबर 2020 के लिए मैंने 17 सितंबर 2020 के लिए मैंने मार्केट एनालिसिस करूँगा, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखें और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। मैंने इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप टुमारो मतलब बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी कॉम इक्विटी और स्टॉक फ्यूचर्स का बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। वो भी आप लोग को बहुत ही बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ भी अपडेट करता हूँ और लाइव मार्केट में ट्रेडिंग भी दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिखाता हूँ, वो भी आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को बहुत हाई एक्यूरेसी प्रॉफिट दे सकता है, और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है टेक्निक्स है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, उसमें से आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और एंजल वॉकिंग आस्था डेट एलिस दो स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक भी आप लोग को दिया उधर मिल जाएगा, उसमें से ज्वाइन होने का तो आप लोग को ऐसे ही बेनिफिट रहेगा और इसके अलावा मेरी तरफ से भी आप लोग को बेनिफिट दिया जाएगा। तो देखिए, मैंने निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, तो ये आज एक स्टॉक ये पहले एक थोड़ा सा एक बियरिश कैंडल बना था इधर से, तो बियरिश कैंडल बना के इधर से फिर से अप किया था, इधर से फिर से एक बुलिश कैंडल बनाया था, सॉरी बियरिश कैंडल बनाया था। इसके बाद ये आज एक बुलिश ये लगातार दो दिन से ये थोड़ा सा बियरिश कैंडल सॉरी बुलिश कैंडल बनाया है। इसका जो ट्रेंड है ये आप में ही दिखा रहा है, ये जो अभी ट्रेंड दिखा रहा है इसका अप ट्रेंड दिखा रहा है। ये इसका रेजिस्टेंस जोन में रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है इसका रेजिस्टेंस जोन में ये सपोर्ट लिया है, और इधर से RSI का जो है वो भी इसका सपोर्ट दिखा रहा है, और इधर से कुछ रिवर्सल जैसा टाइप का मतलब इधर से जो नीचे आया था उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल दिख रहा था, लेकिन RSI का जो रेजिस्टेंस लाइन है इसका सपोर्ट लिया है, और ये इधर से नीचे सपोर्ट है, ठीक है। और इधर से मैंने इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को बता देता हूँ। इसका जो 593 का ऊपर तो ये जो रेजिस्टेंस था उसका ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, 593 का लेवल के ऊपर। तो इसका ऊपर जो लेवल दिख रहा है इसका है 640 का लेवल, 643 का लेवल बहुत ही वाइटल होगा, उसके बाद 691 का लेवल, उसके बाद रेजिस्टेंस, इसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है 680 से 682 के आसपास, ठीक है। इसके बाद इसका और भी ऊपर का लेवल दिखेगा, इसका बीच में इसका 620 इसका तो लेवल बता दिया, इसके बाद 728 का लेवल इसका इम्पोर्टेंट होगा, इसके बाद ये 792 ये अपसाइड में जा सकता है। और नीचे का साइड में जो है नीचे का साइड में 11577 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा, इसके बाद 11557 का लेवल, उसके बाद 11535, उसके बाद 11464 और भी नीचे बहुत सारा लेवल्स है, 11464 का नीचे ये 406 का लेवल इसका दिख रहा है, ठीक है। इसका 11406, इसके बाद 11380 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा, इसके बाद ये आ सकता है 11304 का लेवल पे, ठीक है, 11304, इसके बाद ये लेवल आ सकता है 11217, ठीक है, 11217
और इधर 11,217 के नीचे 11,056 11,971 ये सब लेवल है। और देखिए इधर से आप रेजिस्टेंस, मैंने आप लोग को पहले भी बोल चुका हूँ, RSI में ये रेजिस्टेंस लाइन जो है RSI का, इधर से जो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसका नीचे है, और इधर से ये सपोर्ट भी लिया है, सॉरी रेजिस्टेंस लिया है, और इधर से इसका सपोर्ट लाइन है RSI का, ठीक है। कोई भी एक साइड में ब्रेक करेगा तो ये अप साइड या डाउन साइड में जा सकता है। अच्छा, और बैंक निफ्टी को देखता हूँ, थोड़ा सा चार्ट को भी सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ, बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो इसमें जो दिख रहा है ये बैंक निफ्टी अभी अपना डाउन ट्रेंड में ही है, अभी तक इसका ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, सॉरी मूविंग एवरेज का नीचे ही दिख रहा है, इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये इसका RSI भी थोड़ा सा अपसाइड में जाने का कोशिश कर रहा है, इधर से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, लेकिन इधर से ये रिवर्सल होने का मैंने, लेकिन ये मैंने डेली चार्ट ओपन कर डेली चार्ट दिख रहा हूँ, और एक घंटा या दो घंटा या चार घंटा का चार्ट करूँगा तो दूसरा कुछ सिनेरियो दिखेगा। तो इधर देखिए थोड़ा सा जो इसका जो बियरिश माना था, फॉल हुआ था, डाउनफॉल हुआ था, बुलिश बियरिश हुआ था, उसके बाद ये थोड़ा सा रिवर्सल आने का कोशिश कर रहा है, और इधर से इधर का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये आप लोगों को दिखाता हूँ, इधर का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसका दिखाता हूँ, तो इधर से जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो ये 22,519 का ऊपर ये क्लोजिंग दिया है, इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसका 22,680 के आसपास, 22,680 के आसपास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसके बाद ये इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये है 22,748, ठीक है, 22,785 पकड़िए, 22,750, इसके बाद 22,801, 22,799, 800 पकड़ सकता है, और इसके ऊपर ये जा सकता है 22,927, 22,927 के ऊपर ये जा सकता है 23,050, 23,084, और इसके बाद 23,159, 23,278, 23,278 के ऊपर ये जा सकता है 23,512, ये सब 23,500 का लेवल तक आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे का जो इसका सपोर्ट्स है वो आप लोग को दिखाता हूँ, 22,519 में तो एक सपोर्ट दिखा, इसके बाद इसका जो नीचे है 22,480 के आसपास, ठीक है, इसका नीचे ये इसका जो पिवट पॉइंट है 22,347 का नीचे, 22,347 का नीचे इसका जो लेवल है 22,322, इसके बाद 22,200 के आसपास, ठीक है, 22,200, इसके बाद 22,990, इसके बाद 21,963, 21,728, 21,623, ये सब लेवल सब लोग को देख सकता है, 21,500 तक इसका लेवल बन सकता है, 21,000 उसके बाद 21,689, 21,000 इसके बाद और भी नीचे जा सकता है। अच्छा, मैंने इसका ये फ्यूचर का लेवल्स दिखाऊंगा, सॉरी फ्यूचर का चार्ट एनालिसिस करूंगा। तो इधर देखिए ये एक जो निफ्टी का जो है एक इस इधर से जो ट्रेंड लाइन है इधर से एक ट्रायंगुलर शेप बना है, ठीक है, और इधर से जो ट्रायंगुलर शेप बना है और इधर से थोड़ा सा ये अप ट्रेंड में दिखा रहा है, ये वॉल्यूम भी थोड़ा सा अप साइड में जाने का कोशिश कर रहा है, और RSI थोड़ा सा
और ऐसा ही थोड़ा सा 60 का थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन इधर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है, इधर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस आ रहा नज़र आ रहा है। वॉल्यूम में थोड़ा सा अप साइड में दिखा रहा है, लेकिन इसका एवरेज वॉल्यूम के ऊपर अभी तक जाने का दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर गया और ऊपर ही चढ़ेगा, तो उसके लिए ओल्ड मार्केट का ट्रेड भी देखना पड़ेगा। हो सकता है ओल्ड मार्केट ट्रेड्स के लिए कुछ ऊपर जाने का है, लेकिन फिलहाल इसका मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर जा सकता है। अच्छा, तो देखिए एमपी फ्यूचर का जो इसका ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 11,623 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, उसके बाद 11,705 या 710 के ऊपर, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 11,780, इसके बाद 11,000 इसके बाद यह 11,800 के ऊपर जा सकता है। और नीचे का जो लेवल है इसका 11,577 का लेवल, 580 का 577 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद 11,500 का लेवल, 11,509 या 500 ही पकड़ सकता है, 500 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद जो लेवल है ये है 11,470, इसके बाद 11,462, इसके बाद 11,362, इसके बाद 11,341, इसके बाद 11,265, इसके बाद 11,231, इसके बाद 11,206। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में देखिए इधर एक चैनल पे ये ट्रेड कर रहा है इस चैनल के अंदर। ठीक है। और इधर से मैंने एक शॉर्ट टर्म का भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका थोड़ा सा अपर साइड का ब्रेक किया है थोड़ा सा अप साइड में, और इधर भी क्लियरली एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, RSI का एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। वॉल्यूम थोड़ा सा अपसाइड एवरेज का आसपास जाने का कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा अपसाइड में जाने का कोशिश कर रहा है। और इसका RSI डेली चार्ट में इसका RSI 50 का नीचे है अभी तक। ठीक है। और इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये है 22,771, इसके बाद मैंने फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, इसके बाद 22,998, इसके बाद 23,146, इसके बाद 23,337, इसके बाद 23,714, इसके बाद 24,000 के ऊपर ये जा सकता है, 24,077 के ऊपर ये जा सकता है। और नीचे का जो लेवल है इसका सपोर्ट जो रहेगा 22,530 के आसपास, इसके बाद 22,442, इसके बाद 22,339, इसके बाद 22,101, इसके बाद 21,862। ठीक है। 21,862, इसके नीचे ये जा सकता है 21,714, उसके बाद और भी नीचे जा सकता है 20,880 तक ये जा सकता है। ठीक है। और इसका मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस करता हूँ, इसमें से और भी आप लोगों को पिक्चर क्लैरिफिकेशन और भी अच्छा आएगा, तो वीडियो इसीलिए मैंने अंत तक जरूर देखने के लिए बोलता हूँ। तो देखिए इसका PCR रेशियो 1.47 हो गया है, निफ्टी का मतलब अपर थ्रेशोल्ड लिमिट में पहुंच चुका है। 11,700 में इसका रेजिस्टेंस बना है कॉल साइड में, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट बिल्डअप हुआ, सॉरी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, लेकिन 11,750 का लेवल पे इसका 750 का ऊपर ये शॉर्ट बिल्डअप भी दिख रहा है। और इधर बुक साइड में इसका 11,500 में इसका सपोर्ट बना है, फुल साइड बुक साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ठीक है। दोनों साइड की शॉर्टिंग हो रहा है, और इधर से इसका जो है पुट साइड में शॉर्टिंग का थोड़ा सा आई भी थोड़ा सा ज़्यादा है,
तो इसका थोड़ा सा निफ्टी के थोड़ा सा अप मूवमेंट दिखाएगा, साइडवेज और अप मूवमेंट दिखेगा, लेकिन बीच में जब करेक्शन आने का जाएगा तो ये एटलीस्ट 100 या 150 पॉइंट का करेक्शन जरूर इसका आ सकता है। और इसका बैंक निफ्टी का देखता हूँ, बैंक निफ्टी का जो है बैंक निफ्टी का फिशर रेशियो 0.83 या 0.81 है, 0.81 है ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस बना है 23,000 पे और सपोर्ट बना है 22,000 पे, दोनों साइड में शॉर्टिंग हो रहा है, दोनों साइड में इसका कॉल साइड में शॉर्टिंग हो रहा है, पुट साइड में भी शॉर्टिंग हो रहा है, लेकिन कॉल साइड में इसका आई भी ज़्यादा है, कॉल साइड में इसका आई भी ज़्यादा है, तो इसका शॉर्टिंग जब होगा तो नीचे जब आएगा ये बहुत हाई वोलेटिलिटी के साथ गिरेगा, कंपेयर टू जब अपसाइड में जाएगा तो इसका वोलेटिलिटी कम रहेगा, ऊपर जब जाएगा थोड़ा सा इसका वोलेटिलिटी कम रहेगा। अच्छा, और इसका प्रोबेबिलिटी मैंने एक बार देख लेता हूँ, ये करेंट मार्केट प्राइस, कॉलिंग पैड वोलेटिलिटी, पुटिंग पैड वोलेटिलिटी और एक दिन का एक्सपायरी का हिसाब से इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, तो इसका दोनों का ही मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही थोड़ा सा अपसाइड में जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। अच्छा, इसका वर्ल्ड मार्केट का ट्रेंड एक बार देख लेता हूँ, वर्ल्ड मार्केट में एक्स निफ्टी थोड़ा सा हायर साइड में है दिख रहा है, 493 लो गया था, ओपन हुआ था 527 में, तो इसका 600 का ऊपर ही अभी तक चल रहा है, तो इसका डो जोन्स में देखिए, डो जोन्स का जो है डो जोन्स का थोड़ा सा अप मूवमेंट दिखा रहा है, डो जोन्स का जब भी 28,000 का ये ऊपर जा रहा है तो इसका करेक्शन आ जाता है, तो कल सुबह तक इसका थोड़ा सा हम लोग करेक्शन भी देख सकता हूँ, इसका करेक्शन भी देख सकता हूँ, तो निफ्टी का एसजेक्स निफ्टी का भी करेक्शन आ जाएगा उसका। और डॉलर इंडेक्स का एक बार देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स में जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ही दिख रहा है, 93.20 इसका हाई गया था और 93.14 में ओपन हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन ये हायर साइड में ही है 93 का ऊपर। और टोटल वर्ल्ड मार्केट एक बार देख लेता हूँ, ये मार्केट में डो एंड S&P थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है और नैसडाक में इसका नेगेटिव दिख रहा है, और गोल्ड सिल्वर का प्राइस एशियन मार्केट में ग्रीन दिख रहा है, एशियन मार्केट अभी तक रेड दिख रहा है, NSE तो थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, ऊपर दिखा क्लोज दिया है, तो देखना पड़ेगा उसका। और गोल्ड का प्राइस फिर से बढ़ा है लेकिन सिल्वर का प्राइस गिरा है। अच्छा, और FII DII एक्टिविटी देखता हूँ, FII DII क्या कर रहा है, मतलब आज बाइंग किया या सेलिंग किया वो एक बार देख लेता है। FII में बाइंग किया है लेकिन इसमें सेलिंग दिखा रहा है, नेट सेलिंग दिखा रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का लास्ट मोमेंट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो सकता है ये DII सेलिंग दिखा रहा है, लेकिन DII का जो है DII में बहुत सारा चीज़ होता है, ब्लॉक डील्स वगैरह रहता है, तो DII के देखे ऐसे कुछ, और इसके साथ वर्ल्ड मार्केट और भी कुछ देखना पड़ता है। और इंडिया विक्स का देख लेते हैं, इंडिया विक्स का जो है इसका जो मीन है ये थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, ये इसका चार्ट देख सकता है, ये थोड़ा सा अभी नीचे दिख रहा है, 19.66 में इसका क्लोजिंग दिया है आज, थोड़ा सा मतलब नेगेटिव का क्लोजिंग दिया है, और इसका 30 डेज का जो मीन है ये नीचे दिख रहा है, और ये बीच में 510 और 1020 का क्रॉसओवर अपसाइड में हो चुका है, लेकिन फिर से ये नीचे चला गया, इंडेक्स नीचे चला जाएगा गया, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा अप मूवमेंट होने का चांसेस रहता है। और इसका जो बाइंग सेलिंग लेवल्स ऐसे देख सकता है, 19.66 में इसका तो क्लोजिंग दिया है, 19.86 का ऊपर, 20.49 के ऊपर ये मतलब जाएगा तो इसका करेक्शन आ सकता है मार्केट में। और सेलिंग साइड में जाएगा तो इसका सोच लीजिए 17.85 में इसका सेलिंग आ जाएगा,
इसका सेलिंग साइड में जाएगा तो ये मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल ऐसे ही कहा जा सकता है कि मार्केट अभी तक पूरा ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक ना ये 17 का नीचे आएगा तो मार्केट पूरा ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर कभी कभी जा सकता है लेकिन करेक्शन भी आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका गन 360 का देख लेता है एक बार। गन 360 का लॉन्ग टर्म व्यू, ठीक है, गन 360 का लॉन्ग टर्म व्यू एक बार देख लेता है। इधर 11,601 के ऊपर 11,653, इसके बाद 11,808, 11,653 का लेवल वाइटल होगा, इसके बाद 11,808, ये सब लेवल देख सकता है। नीचे का लेवल ऐसा है 11,497, 342, 11,127, ये सब लेवल आप लोग देख सकता है। और बैंक निफ्टी का 22,829 का लेवल के ऊपर ये ऊपर जा सकता है, और 20,950 के नीचे ये नीचे जा सकता है। और कल के लिए जो आज का डाटा लेके कल के लिए मैंने 365 एनालिसिस दिखाता हूँ, तो देखिए निफ्टी 11,659 के ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऊपर इसका इस फर्स्ट लेवल 45 डिग्री का ऊपर दिखा रहा है, तो 22,771 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है। ये सब लेवल इसका नेक्स्ट लेवल ये सब हो सकता है, ठीक है। और इसका सेलिंग जो आ सकता है निफ्टी का 11,472 इंडेक्स का, और 11,22,375 निफ्टी बैंक का इंडेक्स का, ठीक है। और ये फ्यूचर्स का लेवल है, ठीक है, ये आप लोग देख सकता है। और इसका नीचे क्या क्या लेवल हो सकता है ये भी आप लोग देख सकता है, ठीक है। इसका ये है फास्ट साइकिल का अपसाइड और डाउन साइड आप लोग को दिखाएगा। इसका ऊपर ये नीचे जाएगा तो और भी ऊपर ये और भी नीचे जा सकता है, ठीक है। इसके लिए ये सब लेवल्स आप लोग रेफर कर सकता है। और भी ऊपर थर्ड सेकंड साइकिल का और ऊपर और भी ऊपर या और भी नीचे जाएगा तो ये थर्ड साइकिल का लेवल्स है, ठीक है। तो और मैंने फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी और गन डिग्रीज बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी भी दिखा देता हूँ आप लोग को। वो मैंने जब देता हूँ ये जब देता हूँ मतलब उसका लेवल जब मैं देता हूँ बाइंग सेलिंग का लेवल जब देता हूँ उसका दे देता हूँ, तो फिलहाल यही लेवल को आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। इसका फिबोनाची का लेवल आप लोग देख सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें बैंक निफ्टी का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है फ्यूचर का, लेकिन इंडेक्स का आप लोग देख सकता है और इसका भी इंडेक्स देख सकता है। ये 11,632 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये सब लेवल आएगा इसका लेवल, और नीचे का लेवल पे ये 513 का नीचे और ये 11,580 का नीचे इसका नीचे का लेवल आ सकता है, ठीक है। और इसका गन डिग्रीज का लेवल गन डिग्रीज का लेवल आप लोग देख सकता है, ये 11,588 और 11,610 के ऊपर ये ऐसे ऐसे इसका ऊपर जा सकता है। और नीचे का लेवल भी आप लोग देख सकता है, कोई भी लेवल्स आप लोग फॉलो कर सकता है। मतलब मैंने तीनों लेवल दिखाए आप लोग को, 365 गन डिग्रीज और फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी, ये तीनों का कोई भी लेवल आप लोग देख सकता है। तो वीडियो यही खत्म करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग को इसमें से बहुत सारा चीज़ मिलेगा, तो ये आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।